हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अरब स्टडी में। तो आज की बड़ी खबर में हम देखने वाले हैं कश्मीर में गिलानी ने इस्तीफा दिया। यह इस्तीफा क्यों महत्वपूर्ण है और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है कश्मीर की राजनीति में, यह सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए पढ़ते हैं। जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मैं इस फोरम से मुकम्मल अलाहिदगी इख्तियार करने का ऐलान करता हूँ। तो ये लेटेस्ट न्यूज आज दोपहर में गिलानी ने ऑडियो क्लिपिंग रिलीज करके दी कि मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे रहा हूँ। 90 साल के सैयद अली गिलानी का इस्तीफा इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? उनके इस्तीफे से क्या राजनीति में परिवर्तन आने वाला है कश्मीर की, वह सारी चीज़ें हम इस वीडियो में एनालाइज करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण सुर्खियां। तो सेसेशनिस्ट सैयद अली शाह गिलानी रिजाइंस फ्रॉम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, यह एक अलगाववादी नेता है, मतलब जम्मू कश्मीर में, जो कि एक अलगाववादी यानी हमें भारत से अलग होना है का मूवमेंट चला रहे हैं, तो उसके बहुत बड़े नेता हैं। तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से। तो क्या है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, हम आगे देखेंगे इसी वीडियो में। तो ये पिछले अगस्त से, जब से ये आर्टिकल 370 को एबोलिश किया गया है, तब से हाउस अरेस्ट में थे। तो उसके बाद अभी तक इनकी कोई खबर नहीं आती थी, तो आज ये खबर आई है कि उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया है। तो क्या है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, चलिए देखते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि वहाँ की सारी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो छोटे मोटे पार्टी हो गई या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी का एक कुल मिला के कह सकते हैं कि जूस है। सभी को मिला के एक बड़ी सी पार्टी बनाई गई प्लेटफॉर्म है जो कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट को एक मजबूती से चलाता है। फिर उसके बाद इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1990s के दशक में, यानी जब कश्मीर एकदम से हिंसा के चरम सीमा पे था, उस समय जब कश्मीरी पंडितों को हटाया जा रहा था वहाँ से एंड काफ़ी मिलिटेंसी वगैरह हो रही थी। तो मिलिटेंसी के अपार्ट, यानी जो ये जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, एक ये प्लेटफॉर्म बनाया गया था जो कि पॉलिटिक्स डिस्कस करेगा वहाँ की। टेररिस्ट वायलेंस तो ठीक ही है, एक पॉलिटिक्स वहाँ की डिस्कस करेगा। तो ये एक राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बना के। तो ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 13 जुलाई 1993 को। तो इसकी पृष्ठभूमि इलेक्शन जब 1987 में कश्मीर में हुए थे तभी पड़ गई थी, बट ये फॉर्म होते होते 1993 हो गया। तो सारी मेजर सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का निर्माण करती हैं। तो इसमें देखा जाए कि ये बनी क्यों, जब 1987 के इलेक्शन हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के आई वहाँ पे, तो उसके विरोध में जितनी भी पार्टियाँ खड़ी हुई उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस बनाया, जैसे आज महागठबंधन बनाया बीजेपी के खिलाफ ऑल इंडिया में, तो ये तो डेमोक्रेटिक है। बट वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बना वो सेसेशनिस्ट बना था कि हमें अलगाव चाहिए, भारत में हमें नहीं रहना। तो वो उन 23 डिफरेंट फैक्शंस को मिला के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बना था। तो इसके कुछ प्रमुख लीडर जो कि अलगाववादी नेता हैं, मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, मोहम्मद यासिन मलिक, कुछ प्रोमिनेंट फेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्पेशली कि गिलानी कौन है जिसने इस्तीफा दिया। कश्मीर अलगाववादी नेता हैं, वहाँ के काफ़ी माने जाने नेता हैं, काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी, वहाँ के लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं इन्हें। देन इसके बाद यह जमात ए इस्लामी एक संगठन है कश्मीर का, उसके भी मेंबर रह चुके हैं। एंड देन इसके बाद ये खुद अपनी पार्टी बनाते हैं तहरीक ए हुर्रियत नाम से। तो क्या है कि जो ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का ही पार्टी का अमलगमेशन है, तो वो तहरीक ए हुर्रियत उनमें से एक पार्टी थी, तो वो पार्टी गिलानी की थी। एंड देन उस पूरे कॉन्फ्रेंस का हेड कौन था, गिलानी। तो ये हुर्रियत के सेपरेटिस्ट लीडर हो गए, एंड देन इनकी खुद की पार्टी है तहरीक ए हुर्रियत। तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दिया है। अभी तहरीक हुर्रियत से नहीं ऐसी बातें सामने आ रही हैं। तो क्या था कि ये पहले एमएलए भी थे, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक है सोपोर, वहाँ से। तो ये कैसे पॉलिटिक्स से अलगाववाद मतलब भारत के विरुद्ध आ गए, ये पूरी कश्मीर की राजनीति है। तो चलिए देख लेते हैं इनका क्या रोल था कश्मीर में, यानी इनका इस्तीफा महत्वपूर्ण क्यों है। ऐसे तो कई इस्तीफे आते रहते हैं, कोई कहीं शामिल हो गया, कोई कहीं आ गया, कहीं चला गया, बट इनका इस्तीफा क्यों महत्वपूर्ण है। इनका इस्तीफा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं कि इनके कहने पे हड़तालें और बंद हो जाया करता। तो कई बार जनरल स्ट्राइक्स और बंद का आह्वान किया है, जैसे जब भी कोई मिलिटेंट को मार दिया जाता था इंडियन आर्मी के द्वारा, तो यह पूरे कश्मीर लेवल पे बंद का करते थे कि अब कश्मीर बंद इसके विरोध में। एक और खास बात इनसे जोड़ के ये आती है कि इनको इनविटेशन दिया गया था अटेंड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, जो कि कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी उस टाइम पे कि एक कैसे इस्लामिक संगठन कश्मीर से किसी को बुला रहा है, मतलब इंडिया के पोर्शन से किसी को बुला रहा है, एंड देन इसको इंडिया खुद रिकॉग्नाइज नहीं करता है। देन इसमें एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि जैसा ये दावा करते हैं कि हमें बहुत लोग मानते हैं, हमारे पीछे बहुत लोग हैं, मेरी बातें सुनने वाला ये सब है, तो इसका नतीजा 2014 में ही आ गया था जब इन्होंने कहा कि बायकॉट करो कश्मीर का इलेक्शन, जो वहाँ के विधानसभा में इलेक्शन होने वाला था उसको भी इन्होंने बायकॉट करने कहा। बट मजे की बात यह है कि वहाँ पिछले 25 साल के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड वोट टर्नआउट यानी 65% टर्नआउट था। तो यह एक तरफ से सेपरेटिस्ट के मुंह पे तमाचा था कि कैसे वो बायकॉट करने का अपील कर रहे हैं, देन उसके बाद 65% लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी कश्मीर की हिस्ट्री थी। तो अभी मौजूदा समय में वहाँ जब से ये आर्टिकल 370 हटा है, तो कई ये जितने भी सेपरेटिस्ट लीडर हैं वह या तो नज़रबंद हैं या तो कुछ बयान वगैरह दे नहीं रहे हैं, कईयों को तो जेल में हैं और उनके खिलाफ उनके पुराने केसेस जो कि किसी वजह से नहीं खुले थे सब कुछ चल रहे हैं, एनआईए की रेड्स वगैरह। तो यह काफ़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट दब चुका है। एंड देन उधर जो मिलिटेंट साइट है, अब हर दूसरे दिन तीसरे दिन सुनाई दे रहा है कि आज 3 मिलिटेंट्स को मारा गया, आज 2 मिलिटेंट्स को मारा गया। तो मिलिटेंसी साइट से भी ख़त्म हो रहा है। तो हम देख पाएंगे कि आने वाले समय में जल्द ही कश्मीर इन सब चीज़ों से मुक्त होगा। तो यह इस्तीफा उसी मुक्ति कदम में एक बढ़ता हुआ कदम है। तो यह इस पूरे इनके इस्तीफे का एनालिसिस था। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ज़्यादा कुछ तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, बट फिर भी अब जिक्र हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन का, तो यह जान सकते हैं दे यह किस पार्टी से एसोसिएटेड थे जिन्होंने इस्तीफा दिया वो चीज़। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या फिर तहरीक हुर्रियत, तो ये दोनों शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप देख सकते हैं। आपको इस क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देने, एंड देन यह आज की बड़ी खबर की सीरीज ऐसे ही जारी रहेगी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तो इस पूरे वीडियोस को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।